आप देख सकते हैं सर्वर पैनल्स कितने डर्टी हैं, और इट्स बिन 3 मंथ्स जब से ये इंस्टॉल हुए हैं और एक भी दफ़ा क्लीन नहीं हुए अभी तक। तो अभी आज इनकी क्लीनिंग होगी। ये आप देख सकते हैं पानी का वाल्व इसके पास लगवा लिया है कस्टमर ने, तो अब इसको मॉप से क्लीन करवा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर आपका स्लो प्रॉपर हो और पानी और मॉप से भी अगर आपके पैरों से मिट्टी जमी हुई ना हो, और आपने ऐसा ना हो कि 6 महीने में कभी साफ ना किया हो, तो देन इट्स डूएबल विद अ मॉप एंड प्लेन वाटर। बट मॉप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पानी से जो जमी हुई मिट्टी होती है वो उतरती नहीं है। तो अगर उस वक्त तो लग रहा होता है, क्योंकि पानी के इफेक्ट की वजह से लग रहा होता है जैसे क्लीन हो गए हैं पैनल्स, और एक्चुअली ऊपर मिट्टी जमी हुई होती है। जब वो पानी सूखता है, वेपरेट करता है, तब आपको क्लियर होता है कि ऊपर मिट्टी जमी हुई थी। आप देख सकते हैं छोटा सा आप पंप लगा सकते हैं ताकि पानी का प्रेशर आपका रहे। पानी का प्रेशर छत पे, एक्चुअली आपका सोलर पैनल्स का स्ट्रक्चर छत से भी ऊपर होता है, तो जो वाटर टैंक होता है उसका पानी ऑटोमेटिकली तो नहीं आ सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं वाटर टैंक का लेवल और स्ट्रक्चर का लेवल ऑलमोस्ट इक्वल है, या स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऊपर ही है। तो ऐसे में आपको पानी के पंप लगाने की ज़रूरत होती है, जिससे आपका पानी का प्रेशर बिल्डअप हो जाए, जिससे आप सोलर पैनल्स आसानी से साफ़ कर सकें। जितना पानी का प्रेशर होता है उतना पैनल्स को साफ़ करना आसान होता है। साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया है, क्योंकि गटरिंग की एक लैकिंग है। गटरिंग कस्टमर नहीं करवाते, और गटरिंग करवाने की एक बहुत लाजम वजह ये होती है, बहुत बेनिफिशियल बात ये होती है कि जो पानी ज़मीन पे गिर रहा है ये नहीं गिरता। चारों तरफ अगर गटरिंग हो और बीच में पैनल्स के जो गैप्स हैं वो सील कर दिए जाएँ, तो पानी सारा गटरिंग में इकट्ठा होकर डायरेक्ट ड्रेन के अंदर चला जाता है, और ये जो छत गीली है ये सिनेरियो नहीं बिल्डअप होता। बट अगेन, जब कस्टमर सिस्टम लगवा रहे होते हैं तब उनका सबसे मेजर जो एक कंसर्न होता है वो कॉस्ट होती है, और उस कॉस्ट में गटरिंग की कॉस्ट स्ट्रक्चर पे ही कॉस्ट पड़ जाती है, तो गटरिंग करवाने का तो कस्टमर नहीं सोचते। बट आपको दिखाने का मकसद यह है कि गटरिंग के बेनिफिट्स आप देख सकते हैं कि गटरिंग अगर हो तो ये जितनी भी सीपेज है, जितना भी पानी छत पर जमा हो रहा है, एक्चुअली तो इसने भी ड्रेन में ही जाना है, बट बिल्कुल ये गीला भी नहीं होता। अगर छत पे गटरिंग, इस पे स्ट्रक्चर पे गटरिंग हुई होती तो ये बिल्कुल भी गीला ना हो रहा होता छत, और कोई चांसेस ही ना होते सीपेज के, और बिल्कुल भी किसी से। आप देख सकते हैं सिविल वर्क्स भी हैं, सारा काम कंप्लीट है, बट अगेन गटरिंग का फ़ायदा सेपरेट होता है।